पटना के लिए हम निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब हमारी ट्रेन 6:55 में है, अभी 20-25 मिनट टाइम है। और हमारे साथ एक लड़की मिल चुकी है जो कि कंपनी देने के लिए है। अच्छा। और ये लड़की बहुत अगड़ू है, जिसे हम बोल रहे हैं कि हमें नौड़ावला तक जाना है, आप हमारे साथ कंपनी से। नहीं दे रही है, बहुत अच्छी लड़की है ये तो। क्योंकि ये एप्पल खाती नहीं है और ये एक ही एप्पल बचा हुआ था, सारा हम खा चुके थे। तो हुआ कि चलो सुबह का टाइम है, आजा तुम खा लो, ठीक है, वरना खाली पेट चाय पिएगी, पेट खराब हो जाएगा, इससे अच्छा एप्पल खा लो। फिर और क्या दिए, हम लोग स्लीपर में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है नौड़ावला का, और ये LTT से खुलेगी और नौड़ावला पहुँचेगी, ठीक है। हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, 7 बजे खुलेगा और हम लोग कितने पहुँचेंगे, 9:05 हम लोग पहुँच जाएंगे। फाइनली लोनावला पहुंच गए हैं, हमारे ट्रेन आ गई लोनावला में। ये देखो टंटना, अभी मैं पहुंच चुकी हूं होटल गौतम। हम मैंने 2-3 मतलब आई थिंक 5-6 देख लिया होटल, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था, सॉरी रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट मुझे पसंद आया, आप देख सकते हो इसका व्यू बहुत अच्छा है। तो ये रहा स्विमिंग पूल, तो ये मैंने यहाँ पे अभी जाके इसको हमने बुक किया है, अभी हम चेक इन कर रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको अपना रूम टूर कराने वाली हूँ जो कि बहुत प्यारा है। आपको यहाँ पे आने के बाद लगेगा कि आप किसी महल में आ चुकी हो, राजा पहले के ज़माने में जैसे राजा के महल होते थे, विजिट किया ओनली फॉर बालकनी। आप देख सकते हो नाइट, आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ लाइक एक अच्छा सा सुकून वाला कप ले सकते हो अगर आप न्यूली वेड्स हो तो आप देख लो ये व्यू यार, लाइक ऑसम। आप फील करो कि आप एक रानी हो और आप अपने राजा के साथ यहाँ पे हो, और ये काफ़ी प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो ये रूम आपको दिखाती हूँ, ये देखें रूम भी काफ़ी प्यारा है। ये 2 चेयर दिए हैं आपको चिल करने के लिए, केटल और कप, आपको दूध कॉफ़ी चाय सब दिया गया है, आप खुद से सेल्फ चाय बना के अपना खुद से पी सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस होटल का। तो आराम से रेडी वेडी हो के, अभी तो मैं पूरा भीग गई हूँ बारिश में। तो और ये रहा वॉशरूम जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, मतलब एक अच्छा वाइब्स आ रहा है। ये शावर के लिए दिया हुआ है आपको, आप यहाँ पे जाके आराम से शावर ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। तो ये रहा टोटल रूम व्यू। तो अभी हम आपको, अभी मैं जा रही हूँ होने रेडी, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट है, हमें निकलना है बाहर। ओके बाय बाय गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, पता नहीं कैसे घूमेंगे, बारिश बहुत तेज हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है रेनकोट पहन के, और अभी मुझे भी पहनना पड़ेगा, सारा मेकअप मेरा चला जाएगा। और ये मैडम यहाँ पे जादू बन के जा रही है बारिश में, बहुत सोच के आई थी मेकअप वेकअप करेंगे,
आराम से निकलेंगे मस्त रेडी शेडी होकर के, और यहाँ पे जादू बन के जाना पड़ रहा है बारिश में। ही हा हा हा। कैसा लगा? मोए 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 मोए। ज्यादा बोलोगे तो इसी में तुम फेंक देंगे पानी में। इनको भी जरा देख लीजिए। हाँ हाँ देख लीजिए इनको भी जरा, कैसा लगा रेनकोट? अपना वाला रेनकोट ना अच्छा लिया गया है, स्टाइलिश पहले से लिया हुआ है ना। आगे से फ्रंट देखा, अच्छा है, ठीक है। वाटरफॉल है टाइगर पॉइंट के जाने के रास्ते में पड़ रहा है ये। सो माई गॉड, सो यू कैन गो हियर, वाओ ऑसम। मन तो कर रहा है बीच जाने का। मेरा भी मन कर रहा है भीगने का। ये भूसी डैम का आप देख रहे हैं व्यू, ठीक है। ये पानी इतनी फ्लो आ रही है, यहाँ कोई नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा वेव आ रहा है, बहुत ज्यादा। इसको बंद कर दिया गया है फिलहाल, कोई नहीं जा रहा है। अभी हम लोग मुसी डैम से निकल चुके हैं, उसी रास्ते में हैं। ये रास्ता होकर जाना पड़ रहा है मुसी डैम, ये देख लो भाई, जाने के लिए भी कितना खतरनाक रास्ता, किनारे किनारे जाना पड़ रहा है। ये देखो आप जो देख रहे हैं वही मुसी डैम है, देखो ये रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो पानी, ये देखो लग रहा है कि फ्लोड आ गई है। आ जाओ नीचे, चलो हम निकलते हैं, आ जाओ। ये देखिए। तुमको आता है स्विमिंग करने? नहीं। चलो 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 यहाँ से निकलते हैं। I'm gonna get back when I feel like. ये टाइगर पॉइंट है, जो कि आप दिख नहीं रहा है, लोग यहाँ पे टाइगर के मजे ले रहे हैं, देख सकते हैं इधर उधर लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो यार।
डॉगी भी उड़ सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मौसम का मजा लेते हुए आ रहे हैं गर्मा गर्म। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इनका नंबर हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ। आपको लोनावला खंडाला सब जगह घुमा देंगे। ये रहा इनका ऑटो जो कि काफी न्यू है और मतलब अच्छा है। काफी अच्छा से इन्होंने कवर अप करके और फिर ये पूरा टूर करवाते हैं। आप कार भी ले सकते हो बट कार में जो है थोड़ा मुझे हम लोगों को रिक्स लग रहा था क्योंकि काफ़ी पानी हो रहा है। तो इन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जितना भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी है तो ये छोटे से जगह में ये निकाल लेते हैं, तो ये मैं प्रेफर करती हूँ। I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. Hi. तो अभी फिलहाल हम पूरे दिन के थकावट और ट्रैवलिंग के बाद अभी आए हैं डिनर करने अपने ही होटल के रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो फाइनली हम और विशाल दोनों काफ़ी थक गए हैं ना विशाल, कुछ बोलो। डिनर करने आए हैं क्योंकि हमारा पेट भूख से बहुत तड़प रहा है, हालत ख़राब हो गया था। और आप मतलब कि पॉइंट थे उसको हम लोग कवर करके और एंड में हम लोग पॉइंट से किया है क्योंकि बारिश के वजह से ना हर जगह हम नहीं जा पाए, गए तो सभी जगह। लेकिन बारिश में मज़े भी आ रहे थे क्योंकि इतने तूफान जैसे हवा चल रही थी ना कि जैसे कि मतलब प्रिया उड़ जाएगी ऐसा लग रहा था उसको पकड़ना पड़ रहा था। बहुत तेज हवा चल रही थी गाइस, बहुत तेज, इतना तेज हवा कि मतलब कि आप वीडियो देखोगे ना तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हाँ कितना तेज हवा चल रही थी आज। और इतना तेज हवा कभी नहीं चली थी यहाँ पे लोनावला में। भैया ने बता रहा थे कि इतना हवा नहीं चलता है कहीं। तो सो फाइनली हम लोग टूर को यहाँ पे एंड करेंगे डिनर के साथ। अभी हम डिनर ऑर्डर कर दिए हैं, हम अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब मैं कुछ बोलूं क्या? अच्छा तुम बोलो क्या बोलना है तुम्हें, बोलो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, थैंक यू सो मच विशाल इतना वेलकम ट्रिप प्लान करने के लिए। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं भी देखिए हमारा आ गया। तो अभी हम चलते हैं डिनर करते हैं, डिनर के बाद थोड़ा मिलेंगे उसके बाद ब्लॉग जाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। हम अच्छे से खाए भी नहीं है, अब बाहर का खाना आप जानती हो मैगी पकौड़े यही सब मिलते हैं भुट्टा वट्टा तो इसलिए फाइनली हम लोग डिनर करेंगे उसके बाद से ब्लॉग को एंड करेंगे। ओके बाय बाय। मॉर्निंग में हम सुबह कितने बजे उठे थे हम लोग? 7 बजे। अभी 7 बजे मॉर्निंग में हम सो के उठे और आज हमें यहाँ से चेकआउट करना है। तो अभी हमारा ट्रेन है 9 बजे, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा। तो अभी हम अपने होटल को छोड़ रहे हैं, प्यारा सा होटल, मन तो नहीं कर रहा है बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और मिलते हैं आपको, कुछ आगे का जो भी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है जो कि हमारे होटल के साथ इंक्लूड था, तो अभी वो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी बज रहे सुबह के 8, तो अभी हम निकल रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं छतरी लेके, आ रही हूँ। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं जो कि हमारे होटल के साथ इंक्लूड था, जो कि ब्रेकफास्ट में हमें मिला है, जल्दी में थे हम, समय मिला है हाँ, और ब्रेड और कॉफ़ी क्योंकि हम काफ़ी जल्दी में थे। तो लाइक हमारे अकॉर्डिंग अगर आप होटल बुक करते हो तो विदाउट फूड करना क्योंकि ओनली ब्रेकफास्ट आपको इंक्लूड रहता है और 400-500 एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग।
एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन 500 के हिसाब से आई थिंक कि ब्रेकफास्ट उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, हेल्दी है सब है, लेकिन आप विदाउट फूड अगर रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग अब आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे अपने ट्रेन के लिए। सो गाइस, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमें 2 मिनट लगा स्टेशन पहुंचने में, क्योंकि हमारा होटल पास में ही था, मतलब लगभग 500 मीटर की दूरी पे हमारा होटल होगा। हम लोग जल्दी पहुंच गए, और क्योंकि हम लेट भी हो रहे थी, अच्छा वह पास में होटल था तो हम जल्दी पहुंच गए। बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 2 मिनट में ही आने वाली है जी। और ये साउथ का कुर्ता पजामा पहन करके ट्रेन का वेट करते हुए कुर्ता पजामा लग रहा है ना गाइस, सच बताना कुर्ता पजामा लग रहा है, धोती पहनी हुई है। ये कौन सा ड्रेस है भाई, अरे बाप रे बाप, क्या बोले, ट्रेन आ जाओ भाई। कल्याण जंक्शन के बगल में ही एक बालाजी वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ का यह डिनर है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आप मुंबई कल्याण जंक्शन आते हो तो जस्ट बगल में ही है, मतलब कि बस 1 मिनट चलोगे, वॉक करोगे, आ जाएगा आपको। देख सकते हैं आप खाना, प्योर घर का खाना मिलेगा, प्योर वेज है रेस्टोरेंट और घर की तरह पूरा आपको खाना मिलेगा, बहुत टेस्टी है। तो आप यहाँ पर आके खा सकते हैं इस मोटू की तरह, बस खाना है इसको और खाएगी। अभी राइस खत्म नहीं हुआ, बोल रही क्या एक प्लेट और राइस ऑर्डर कर दो। ठीक है ठीक है, आई लव राइस।